हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? जय श्री श्याम आप सबको और जय माता दी। सो अभी एक वीडियो बैठ जो आराम से मैं अभी आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर किया है सुबह, है ना। सुबह डाला था, 9 बजे से डाला था, अभी तो 10 बज गया है, 1 घंटा हो गया है। वीडियो डाल के मैं प्लॉट की वेरिफिकेशन करनी थी, वो उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए आना था तो वो लोग आए थे। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको पूरी बात अब की क्या है। एक्चुअली प्लॉट पर घर बनाने के लिए मुझे कम से कम 6-7 लाख का लोन चाहिए था, क्योंकि जब हमने पूरा बजट बनवाया कि किस हिसाब से घर बनाना है, कितना पैसा लगेगा, तो मुझे ये थी कि 4-5 हज़ार में बन जाएगा, लेकिन 4-5 लाख में बन जाएगा, पर 4-5 लाख में नहीं बनना, कम से कम 6-7 लाख उन्होंने बोला है कि लगेगा घर के ऊपर, तब जाके घर है जो प्रॉपर बन पाएगा, कि हर चीज़ महंगी हो रही है। तो 6-7 लाख में फिर घर तैयार होना, इसके अलावा बिजली बिजली का तो सब अलग से, सिर्फ घर घर बनाने का जैसे मतलब ये इंटो स्तर का काम, जो बिजली बिजली का, पानी वानी का, वो फिटिंग वगैरह वो अलग से थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आपका 6-7 लाख रुपए आराम से लग जाना है, ज़्यादा बेशक लग जाए, इससे कम में नहीं बनेगा। तो फिर मैंने लोन के लिए अप्लाई किया और लोन मुझे मिल रहा था कितने का, सिर्फ और सिर्फ उस प्लॉट पे 3 से 3.5 लाख का, 4 लाख का भी मुझे लोन नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया अलग अलग बैंक से, अलग अलग फाइनेंस से, मैं मतलब 4-5 दिन से मैं यही धक्के खाती फिर रही हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं से लोन मिल जाए, कहीं ना कहीं से मुझे 5-6 लाख का लोन मिल जाए। मुझे 5 लाख का भी मिल जाता मैं तब भी करवा लेती, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं रजिस्ट्री है मेरी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही, मतलब लोन दे ही नहीं रहे वो लोग, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ठीक है, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मेरी स्टेटमेंट के ऊपर ही जो मेरी बैंक स्टेटमेंट है उसके ऊपर ही बस वो लोग मुझे दे रहे थे लोन, वो भी मुझे इतना कम लोन दे रहे थे। तो मेरा इतना कम लोन उठा के भी घर नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने प्लॉट की रजिस्ट्री पे थोड़े बहुत जितने वो दे रहे थे उतने पैसे उठाए, कुछ मैंने मेरी मम्मी की ज्वेलरी गहने रखी है तो मम्मी ने पैसे दिए हैं, कुछ मेरी मतलब पैसे है ना। ठीक है, वो पूरे करके पैसे जो 1 साल की जो इंस्टॉलमेंट होती है वो पैसे पूरे हो गए, आज वो पैसे पूरे हो गए हैं, फर्स्ट जो 3 लाख रुपए देने हैं उनको। तो प्लॉट अभी मैंने नहीं बेचा है, प्लॉट पे मैंने पैसे लिए हैं ब्याज पे। ठीक है, बैंक से लोन नहीं हुआ मेरा, तो बैंक से लोन में भी पैसे आने में भी बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने फाइनेंस पे लिए है, फाइनेंस पे मैंने पैसे लिए हैं। मुझे काफी मतलब डबल ही मोड़ना पड़ सकता है, लेकिन मैं कुछ और स्कीम हमने लगाई है तो हो सकता है हमें 5-6 महीने में ही हम जो है रजिस्ट्री छुड़वा लेंगे। तो वो सब चीज़ें होती है ना, हर चीज़ यूट्यूब पे नहीं बताई जाती है, तो वो अपने तरीके से हमने कैसे करना वो हम कर लेंगे। लेकिन इस साल का तो मे बी मतलब इस साल का तो मतलब चला गया है 3 लाख रुपए। ठीक है, तो ये 1 साल तो मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, मैं वहां आराम से रह सकती हूँ। 3 लाख रुपए में घर नहीं बनना था, क्या फायदा, मैं आधा बना के छोड़ देती, फिर आधा कब बनता कब नहीं बनता तो मुझे वेट करना पड़ता, तो मैं क्या करती। इसलिए अभी मेरा हमने ये डिसीजन लिया है कि जैसे ये घर हमें जो मिल रहा है, 1 साल की इंस्टॉलमेंट हमारी जा चुकी है, जो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो हम दे देंगे मंडे को उनको। ठीक है, मंडे का करार होगा, मंडे को एफिडेविट वगैरह जो भी लिखवाने हैं वो लिखवा लेंगे। उसके बाद जैसे जैसे मैं अपना यूट्यूब पे काम करूंगी, जैसे जैसे भी मेरा मतलब मेहनत करूंगी, अपने पैसे जोड़ूंगी, तो मैं अगली जो इंस्टॉलमेंट है 3 लाख की वो भी उतार दूंगी। ठीक है, तो मेरा किराया बच जाएगा, मैं ये सोच लूंगी कि चलो मेरा किराया तो बच गया ना, एटलीस्ट बाहर किराया देने से अच्छा है वही मैं अपना घर के लिए जोड़ती रहूंगी पैसे और वहां पे दे दूंगी। ठीक है, और अगर मुझे वहां भी इतना पैसा लगा के घर बनाना पड़ेगा और वो जगह भी कम है, इससे थोड़ी सी कम है, वो जो ये घर है इससे थोड़ी सी वो जगह लंबाई में कम है, क्योंकि मैंने वो आज ही देखा, आज ही ये चीज मैंने एनालाइज की कि ये तो लंबाई में कम है जगह। अभी ये है कि जब तक 5-6 साल में, जब तक या 4-5 साल में, जब तक मेरा वो लोन क्लियर नहीं होता, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने ये फैसला लिया है। घर वगैरह में आपको अब आने वाली वीडियोस में आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि हम कल परसों तक शिफ्टिंग कर रहे हैं, कल वो उठा लेंगे सामान, परसों हम अपना सामान रख लेंगे। तो मेरे पास 2 दिन हैं अब अपनी पैकिंग वैकिंग करने के लिए, आज तो मैं वेरिफिकेशन करवानी है घर की, इधर वाले घर की भी करवानी है, मेरा जो रेजिडेंस प्रूफ है उसकी भी वेरिफिकेशन आ जानी है, प्लॉट की वेरिफिकेशन होगी है। ठीक है, तो आज मेरा ये काम है जो मैं ये निबेड़ लूँ, उसके बाद बस पैकिंग करने में और बस हमने सामान उठाना है। तो अगर मैं
अच्छी इनकम ले पाऊं, अच्छा ज्यादा जितना मैं अभी वीडियोस डाल रही हूँ उससे डबल अगर काम करने लग जाऊंगी, ठीक है, व्यूज वही काम डबल हो जाएगा तो मेरी डबल वो हो जाएगी इनकम, ठीक है। और मुझे 3 लाख के हिसाब से, एक साल का 3 लाख के हिसाब से 25,000 रुपए हर महीने मतलब मुझे करने पड़ेंगे। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं करूं, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं होगा तब चाहे मुझे कोई साथ में काम खोलना पड़े या काम करना पड़े वो भी करूंगी, लेकिन मुझे महीने का 25,000 किस तरीके से सेव करना ही करना है अब, ताकि मैं इकट्ठे 3 लाख करके उनको दे सकूं, ठीक है। 3-4 महीने बाद या 5 महीने बाद मेरी रजिस्ट्री में छुड़वा लूंगी, उसके बाद मैं उस प्लॉट को सेल करना हो तो सेल कर दूंगी। अगर मुझे लगा भी हाँ ये घर अब ठीक है, यहाँ पे सही है, मैं इसी में रहना है, मुझे अभी भी लग रहा है कि मुझे उसी में रहना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उस प्लॉट को सेल करके जो पेमेंट होगी तो अगले साल वो पेमेंट उतार दूंगी, ठीक है। मेरे पास 6 लाख का तो हो गया अरेंजमेंट, 6 लाख का तो पक्का हो गया अरेंजमेंट, ठीक है। अब 2 साल की तो पक्का मतलब मेरी हो गई, रही बात 3रे साल की, तो ये जो अगले साल जो मैं मेहनत करूंगी अपने 3रे साल की पेमेंट उतारूंगी। तो इसी हिसाब से, क्योंकि YouTube पे अप डाउन चलते रहते हैं, तो मुझे अगर मेरा एक तरफ से किराया बच रहा है, बिजली का बिल बच रहा है, क्योंकि बिजली का बिल उधर माफ है तो बिजली का बिल आएगा नहीं, किराया बच रहा है, बिजली का बिल बच रहा है, तो मेरी इंस्टॉलमेंट्स भी है सिर्फ 1 साल की रह गई है, 1 साल बाद मेरी इंस्टॉलमेंट्स भी बंद हो जाएंगी, तो मतलब 2 साल के मेरा अरेंजमेंट हो गया, 3रे साल का जो है वो मुझे अपनी जब इंस्टॉलमेंट बंद हो जाएगी तो वो पैसा जुड़ने लग जाएगा, तो मेरा फिर 20-25,000 मैं जोड़ लूंगी। तो मैं ये सोच के चल रही हूँ, ये दिमाग लगा रही हूँ, ठीक है। मैं अकेली ने नहीं ये चीज सोची है, या अकेली ने नहीं ये सारा स्कीम लगाई है, ये हमारे बड़े बूढ़ों के बीच में बैठ के मेरे नाना जी से, मेरे मतलब उन सबसे बात करके, मेरे मास्टर जी से जो अभी मतलब जिनके थ्रू ये डील हुई है, मेरे मास्टर जी लगते हैं वो, तो उन नन्नू को उन्होंने काम पे रखा है, उनके थ्रू डील हुई है, तो उनसे भी बात करके सारा फिर हमने ये डिसीजन लिया है कि हमें ये स्टेप उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, तो हमें उठाना चाहिए। बाकी देखो पैसा है, पैसे में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ये मेरे मुझे पता है शुरू से, तो मैं इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी गोल्ड में, जितने भी मेरे को 5, 10, 15 जितने भी मुझे जिस महीने जितने भी बचते जाएंगे सब मेरा गोल्ड में ही जाता जाएगा, सब मैं अपना गोल्ड बनवाने में ही देती रहूंगी और अपनी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रखूंगी, ताकि कल को जब मुझे पेमेंट करनी हुई तो मैं अपने गोल्ड को बेचना चाहूँ बेचूं, गहने रखना चाहूँ गहने रखूं, तो मैं अपना ऐसे आगे से आगे क्लियर करती रहूंगी। अब कम से कम 5 साल मुझे पता है, देखो घर बनाने में टाइम लगता है, ठीक है, अगर मैं भी उल्टी सीधी वीडियोस डालने लग जाऊं तो मेरा भी घर के सारे पैसे दो साल में निबेड़ दूंगी मैं, पर नहीं, मुझे पता है कि मुझे तसल्ली से सलीके से काम करना है, तो 5 साल मुझे पैसे जोड़ने हैं तब जाके मेरा जो है घर वो बनेगा, ठीक है। और बस ये चीज आपको मैं बोलना चाहती थी, तो मैं ये कहूंगी जितने भी मेरे सपोर्टर प्लीज मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, ठीक है, ताकि मैं अपने घर का लोन जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी चुका पाऊं, तो साथ के साथ मैं आपको अपडेट देती रहूंगी, ठीक है। तो किराए के घरों में धक्के खाने से अच्छा है कि मैं खुद के अपने घर में चली जाऊं, जहां मैं इतना किराया भर रही हूं वो पैसे मैं अपने घर के भरती रहूं तो ज्यादा बेटर है। किसने मुझे कमेंट किया था, कमेंट किया कि बहुत बार कमेंट करते हैं, मैं बहुत बार ये चीज क्लियर भी करती हूं कि जो मेरा पहला जो मैंने घर लिया था उस मैंने पहले भी तो घर लिया था, वो मेरा घर कहाँ गया, तो वो घर भी इंस्टॉलमेंट पे था, पर उस पर भी मैंने अपनी जो मेरी ज्वेलरी थी वो मैंने गहने रख के पैसे उठा के उनको दिए थे, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी उनको दे दी थी, दूसरी इंस्टॉलमेंट उनकी साल के एंड में जानी थी, ठीक है। लेकिन अभी तो हमें 1 महीना भी नहीं हुआ था वहां पे आए हुए, उनकी छतें टपकने लगी बारिश में, ठीक है, सांप निकलने लग गए वहां पे, तो मतलब वहां पे इतना पूरे घर में दीमक ही दीमक था, जबकि मेरे बेड में दीमक लग गई, पूरा बेड मेरा खराब हो गया, मेरा वो घर अगर मैं वहां पे अब तक रह रही होती ना तो वो घर मेरा सारा सामान खा गया होता, प्लस उस पे मुझे पैसा इतना लगाना था, इतना महंगा तो वो घर था, क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा थी, 150 गज थी आई थिंक वो जगह, तो 100-150 गज की जगह थी, यहाँ पे जगह मेरी है 50 गज, तो बस यही फर्क पड़ गया था, वो जगह ज्यादा थी, लेकिन वो पूरी जगह, एक तो वो सारा शहर टपके थी सारे शहर से बाहर, दूसरा वहां पे दीमक था, तीसरा वहां पे छत पे लेंटर दोबारा पड़ने वाला, तो लेंटर में ही कम से कम 70-80 हजार एक कमरे के लेंटर में ही पड़ जाते, तो मतलब छोटे छोटे कमरे थे, दोनों कमरों का लेंटर का 1 लाख रुपए में पड़ना था मुझे दिहाड़ी दूड़ी मिला के, तो आप सोचो मैं 1 लाख रुपए और लगाती इसके ऊपर, इससे अच्छा मैंने ये सोचा कि मेरे को 10% मेरा कट जाएगा, वो मुझे नहीं वापस मोड़ेंगे, बाकी के वापस मोड़ेंगे, मैंने अपने वापस लिए और मैंने अपना प्लॉट खरीद लिया, मैंने अपना उस टाइम ज्वेलरी छुड़ा ली, ठीक है, अपने जो भी गहने रखी ज्वेलरी मैंने छुड़ा ली, ठीक है, उनसे पैसे वापस लेके, उसके बाद वो जो ज्वेलरी थी अब मैंने वो सारी ज्वेलरी बेच के फिर प्लॉट लिया था,
मतलब अपनी मैं जहाँ जो इन्वेस्टमेंट मेरी ज्वेलरी में थी ना मेरी, मैंने सारी बेच के अपना एक प्लॉट ले लिया था। प्लॉट मेरा एज इट इज़ है, अब उसी पे मैंने थोड़ा सा अमाउंट फाइनेंस से उठाया है, 75,000 उठाया है मैंने फाइनेंस से एक बार, और बाकी मैंने अपनी कुछ मतलब जिससे भी मैं नाम नहीं यहाँ ले सकती क्योंकि मुझे मना किया गया है, तो मैं मम्मी से लिया और अपनी रिश्तेदारी में से जिससे भी पैसे लिए उन्होंने मना किया है कि मैं यूट्यूब पे नहीं बताऊँ, तो मैं इसलिए यूट्यूब पे उनका नाम नहीं बता रही हूँ, तो मेरे को उन्होंने मदद की है। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके मतलब मैंने जो है अपना कर लिया है, ठीक है। और वो 75,000 तो मैं 3-4 महीनों में उनका उतार ही देना है, तो रजिस्ट्री मेरे पास वापस आ जाएगी। रजिस्ट्री रख के फिर रजिस्ट्री हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं जो है अपना प्लॉट है वो छुड़वा लूँगी, सॉरी बेच दूँगी, छुड़वा लूँगी कह रही हूँ। रजिस्ट्री आ जाएगी तो प्लॉट बेच दूँगी, मुझे पता ही नहीं चल रहा, मैं दिमाग खपाई हुआ पड़ा है कि क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, बस आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहती हूँ। जहाँ जहाँ से भी पैसे मैंने पकड़े हैं वो मेरे पैसे हैं, ठीक है। और जो मैंने अभी अपना प्लॉट जो पैसे कम पड़ रहे थे तो प्लॉट की रजिस्ट्री रख दी है, अभी 5-6 महीने में मैं वो छुड़वा लूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं टेंशन फ्री हूँ एक साल के लिए तो बिल्कुल, कि मेरे को एटलीस्ट किसी की रोक टोक नोक झोंक कुछ भी नहीं है। बाकी अगले साल का तो जब मैं प्लॉट अपना बेचूंगी तो अगले साल का 3 लाख भर दूंगी, बस ये मेरा थोड़ा प्लानिंग है, ठीक है। बाकी मम्मी ने मेरी बहुत हेल्प की है, तो भगवान ऐसी माँ सबको दे। मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरी माँ ने मेरी सच्ची में बहुत मदद की है, मतलब अगर और कोई होता तो मम्मी कह देती कि मैं क्यों दूँ अपनी ज्वेलरी, मैं क्यों दूँ मैं पैसा, लेकिन मेरी मम्मी ने दिया। तो वही चीज़ है ना, मैं उनके साथ हर मुसीबत में खड़ी हुई थी, तो इस टाइम मेरे साथ भी वो खड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने तो बोला है कि भी चल कोई बात नहीं, भी मैं पैसे नहीं लेती, लेकिन मैं मम्मी का वो गोल्ड छुड़वा के देना है, मैं दूंगी, मैं इतनी मेहनत करूंगी, दिन की चाहे 3 वीडियो 4 वीडियो डालनी पड़े मैं डाल लूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ अब डेली का पता है, मुझे इतने पैसे रोज मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मुझे करना पड़ेगा। और मैं दोनों चैनल्स पर काम करूँगी, एक बार शिफ्टिंग कर लूँ दोनों चैनल्स पे काम करूंगी, एक पे मेरे व्लॉग आएंगे, दूसरे पे मेरी मेकअप वीडियोस या कुछ भी हॉल वीडियोस या कुछ इस तरीके के मैं वीडियोस डालूंगी, क्योंकि मैं वो चुप करके नहीं बैठ सकती। अब मुझे ये देखो इकट्ठे पैसे जुड़े नहीं और घर लिया नहीं, ठीक है। मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ जिनके 3-3, 4-4 लाख महीने की सैलरी आए या 1-2 लाख रुपये भी सैलरी आए तो भी घर बन जाए। मेरी तो 20-25 हज़ार आती है और 20-25 हज़ार में मैं अपना सारा घर चला लेती हूँ, कई बार तो 10-15 ही आती है तो फिर भी मुझे चलाना पड़ता है। तो मैं अब आपके ऊपर ही है सब कुछ, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरे घर का लोन उतर जाएगा, और मेरा घर सच्ची में बहुत अच्छा है, जो अभी हम ले रहे हैं अच्छा है घर वैसे, तो उसका भी मैं आपको सारा टूर करवाऊंगी, ठीक है। और जब थोड़ा सा मेरा ये पैसा आधा पैसा चला जाएगा उसके बाद उस घर को हम रेनोवेट भी करवा लेंगे, अभी तो सिंपल सा घर ही है। तो चलिए बस इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि मेरा जो पहले मैंने घर लिया था उसका क्या बना था, और कैसे कैसे मैं प्लॉट तक पहुँची और कैसे कैसे मैं इस घर तक पहुँची, सब कुछ मैंने इस एक वीडियो में ही क्लियर कर दिया है। सो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बाय बाय जी, जय श्री श्याम, थैंक यू। बाकी श्याम बाबा ने चाहा तो ज़रूर ज़रूर जल्दी ही उतर जाएगा, मुझे श्याम बाबा पे पूरा भरोसा है। जिस दिन मैं घर में शिफ्ट हो गई, सारी सेटिंग हो गई, उसके बाद मैंने श्याम बाबा जी का कीर्तन बोला हुआ है, मैंने वो करवाना है, श्याम बाबा जी के भजन। मुझे अब जहाँ मैं रहती हूँ वो बाबा जी के भजन नहीं चलाने देते, बंद करवा देते हैं, मैं बाबा जी के शाम को भजन चलाती हूँ, चलाने नहीं देते, मैं कोई इतनी ऊंची आवाज करके भी नहीं चलाती, लेकिन फिर भी वो बंद करवा देते हैं। जहाँ से मेरा बहुत दिल दुखी हुआ कि बाबा के भजन बंद करवा देते हो, मैं सिर्फ 10-15 मिनट भजन लगाती हूँ जब तक मैं जोत कर रही होती हूँ, आरती वगैरह लगाती हूँ बाबा श्याम जी की। तो अब मेरा खुद का घर होगा तो मैं आरती भी खुल के करूँगी, मैं पूजा पाठ भी करूँगी और बाबा जी की चौकियाँ भी करवाऊँगी, बाबा जी के भजन भी चलाऊँगी, ताकि मुझे कोई वहाँ से ना निकाल सके, कोई वहाँ से ना रोक सके। तो आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं लेके आऊँगी, मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँगी, पर प्लीज़ आप लोगों को भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, कैसे भी करके आपको करना पड़ेगा। और आपको एक सरप्राइज़ भी दूँगी मैं, उसमें भी आप लोग मेरा पूरा साथ दीजिएगा, जो सरप्राइज़ मैं आपको देने वाली हूँ। आप ये लगा लो कि 24 तारीख को मैं आपको जो सरप्राइज़ है वो दे दूँगी, तो उस सरप्राइज़ के लिए भी आप लोग मुझे ज़रूर ज़रूर सपोर्ट करना। मैंने डेट भी बता दी है 24 तारीख, 24 तारीख को भी मैं आपके सामने एक नए सरप्राइज़ के साथ ही आऊँगी। 24 है तो कल 1/4 थी और 24 को, तो चलिए वीडियो को मैं एंड करती हूँ, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।